तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ये डेल का 27 इंच यानी 27 इंच का एक FHD मॉनिटर है। मॉनिटर हो या टीवी दोस्तों, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे दोस्तों, ये जो है दोस्तों एक्चुअल में डबल इमेज और जंपिंग इमेज का प्रॉब्लम में आ रहा है। मैं आपको एक बार इसका पावर देके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैं पावर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे ठीक है। इसको चालू होने दीजिए। यहाँ पर ये कुछ स्कैनिंग लाइन वगैरह भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में दोस्तों ये जंपिंग कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे, इसको आप जंपिंग भी बोल सकते हैं, डबल इमेज भी बोल सकते हैं, स्कैनिंग लाइन। यानी कि दोस्तों कुल मिला के इसमें जो है ये पैनल का फॉल्ट आ रहा है। अब पैनल का फॉल्ट दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पैनल का फॉल्ट में बहुत से प्रकार के होते हैं। DC to DC IC होता है और बहुत से सेक्शन होते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरा सिखा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, मैं इसका पैनल को पूरा ओपन कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंटरनली जानकारी दे देता हूं क्योंकि दोस्तों जानकारी बताना बहुत जरूरी है। यहां पर देखेंगे, इधर लाएंगे, ये BOE का पैनल इसमें लगा हुआ है जो कि 27 इंच का है ठीक है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एट कॉफ लगे हुए हैं ठीक है दोस्तों। ये बोई का पैनल है जो कि फुल HD पैनल है ठीक है। इधर दिखाएंगे, इधर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक हमारा DC to DC IC लगा है क्योंकि दोस्तों ये वाला जो है हमारा सिंगल कॉइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है, सिंगल कॉइल है, उसके बाद में एक IC लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों ये DC to DC IC है ठीक है ठीक है। हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक IC लगा हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला दोस्तों, ये गामा IC है ठीक है। यहाँ पर एक गामा लगा है। यहाँ पर देखेंगे ये मेन चिप हमारा जो कि CPU जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो कि हमारा लेवल शिफ्टर जो स्कैन ड्राइव भी बोलते हैं दोस्तों, यही सिग्नल दोस्तों ये IC ही हमारा गेट सिग्नल को जनरेट करते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको दो तीन टिप्स दूंगा तो आपको पैनल रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। इधर लाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जूम मत करना। हाँ, ये वाला दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक ही सिंगल कॉइल का यूज हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पैनल है हमारा 5 वोल्ट का पैनल है ठीक है दोस्तों। ये तो रही इंटरनली जानकारी, अब आपको रिपेयर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दोबारा मैं एक बार पावर देता हूँ दोस्तों और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पावर दिया ठीक है, ये पावर लग गया है मेरा। उसके साथ साथ दोस्तों ये VGA केबल भी मेरा कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट आ गया है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हमारा पिक्चर कैसा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली दोस्तों, मैंने कैमरा के साथ इसको कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दो दो पिक्चर और जंपिंग कर रहा है, यानी कि दोस्तों पिक्चर में डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे कि फॉल्ट पैनल का फॉल्ट तो है ये वाला, लेकिन वो किस सेक्शन का है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। देखिए पैनल कोई भी इंसान एक दिन में नहीं सीख पाता है, उसको टाइम लगता है। लेकिन कुछ कुछ हिंट है दोस्तों, आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले बन रहा है ठीक है, ये कोई ब्लैंक डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले बन रहा है लेकिन ये पिक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि हमारा DC to DC सेक्शन ठीक होगा ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पिक्चर बन रहा है मेरा लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक टिप्स हो गया। दूसरा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दूसरा टिप बता देता हूँ। ये तो रही दोस्तों ये, अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो फॉल्ट है वो हमारा गेट सिग्नल का ही है या फिर हमारा साइड कॉफ में है। ये दोस्तों सभी टेक्नीशियन भाई के लिए बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट है ठीक है। तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये दिखाएंगे दोस्तों। हाँ, ये हमारा क्या है, जैसे मैंने बताया स्कैन ड्राइव IC लगा हुआ है। अब जिस पैनल में हमारा स्कैन ड्राइव IC लगा है या फिर हमारा गेट सिग्नल दिया होता है, उस पैनल में साइड कॉफ नहीं होते हैं ठीक है। पहली बात, सॉरी दूसरी बात, दूसरा जो मैं बताया आपको ठीक है, अगर जिस पैनल में साइड कॉफ नहीं दिया है तो दोस्तों 100% नहीं बोल सकते, 80% वहां पर साइड कॉफ का मसला नहीं आता है, यानी कि साइड कॉफ का प्रॉब्लम नहीं आता है ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पता चल गया होगा, अगर इसमें स्कैन ड्राइव IC लगा है तो साइड कॉफ नहीं होगा, साइड कॉप नहीं है तो इसका मतलब साइड कॉप का फॉल्ट ये नहीं होगा। अब क्या चीज बचा दोस्तों, अब स्कैन ड्राइव लगा है तो गेट सिग्नल हमारा कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रहा होगा।
ठीक है, ये तो दोस्तों गेट सिग्नल का ही फॉल्ट है। मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि किस चीज का हो सकता है, ठीक है। आपको ये जानना है, जब आप दोस्तों रिपेयर करेंगे तो आप खुद ही से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों एक चीज और, इसमें गेट सिग्नल नहीं है तो उस केस में साइड कॉफ दिया है कि नहीं, अगर आप एक पैनल रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे दोस्तों मैं यहां पर बताऊं, इधर लाएंगे, थोड़ा जूम करेंगे। हाँ, अभी मैं वोल्टेज भी चेक कराऊंगा यहां पर। दोस्तों ये वाला स्कैन ड्राइव आईसी है, यही दोस्तों हमारा क्या करेगा, गेट सिग्नल बनाता है, ठीक है। अब एक गेट सिग्नल कहाँ कहाँ बनाएगा, ये वाला आईसी डायरेक्ट इधर लाएगा, इधर देखेंगे साइड वाला कॉफ में, लास्ट वाले में, और एक इधर हमारा ये वाला। दोस्तों ये तो रहा बताने का, अब मैं आपको वोल्टेज वगैरह चेक करा के दिखा देता हूँ। आप मीटर में ध्यान देंगे फिर भी, क्योंकि वोल्टेज चेक करना जरूरी है। एक पिन को मैं ग्राउंड रखा दोस्तों, ये वाला हमारा वीसीसी, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले तो बन रहा है, हमारा आईसी वगैरह काम कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपका जानकारी के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4.7 यानी 5 वोल्ट के लगभग है हमारा, ये ओके है, वही हमारा ये कॉइल में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4.5 के आसपास, तो दोस्तों 4.5 के आसपास है ये, मतलब ठीक है। हमारा वीजीएल और सप्लाई जो कि माइनस सप्लाई होता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा एकदम ओके, कोई फ्लक्चुएट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एबीडीडी का वोल्टेज मैं चेक करता हूँ, ये वाला एबीडीडी 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों, तो 11.9 ये भी ओके आ रहा है, ठीक है। अब हमारा हाई वोल्टेज दोस्तों जो कि वीजीएच सप्लाई है, वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं 23.9, जो कि हमारा डीसी टू डीसी आईसी एकदम वर्किंग कंडीशन में, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, ये एकदम ओके है, जैसे मैं आपको बताया थोड़ा देर पहले। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इधर, इधर लगाएंगे, इधर दिखाएंगे ये वाला दोस्तों, ये लेवल शिफ्टर है। ये लेवल शिफ्टर दोस्तों दो चीज में वर्क करेगा, यानी कि इसको दो सप्लाई मिलता है, कौन कौन सा, एक हमारा वीजीएल की सप्लाई होता है, एक हमारा एवीडीडी का, ठीक है, सॉरी वीजीएच का। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार चेक करके दिखाता हूँ यहाँ से दोस्तों, ये वीजीएच का सप्लाई मिल गया मेरा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक और है ये वाला, ये मेरा माइनस वोल्ट मिल गया दोस्तों वीजीएल का, यानी कि गेट हाई वोल्ट और गेट लो, यानी वीजीएच और वीजीएल का सप्लाई मेरे को स्कैन ड्राइव में मिलेगा, तभी ये आईसी ऑन होगा। ये आईसी में दोस्तों वोल्टेज पहुंच गया, अब ये क्या करेगा, गेट सिग्नल जिसको हम लोग क्लॉक सिग्नल एसटीबी ओई सॉरी एसटीबी के सिग्नल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर है, ये भी दोस्तों हमारा एकदम ओके है। क्लॉक वन क्लॉक टू में चेक करता हूँ मैं, ये भी ओके है दोस्तों, कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। क्लॉक थ्री दोस्तों, क्लॉक थ्री भी मेरा एकदम ओके है। क्लॉक फोर ये भी ओके है। क्लॉक फाइव ये भी ओके है। क्लॉक सिक्स दोस्तों ये भी ओके है। अब एस टी वी और वी जी एल दोस्तों, ये यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, एस टी वी जो कि वो भी एक माइनस सिग्नल होता है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये भी ओके है। दोस्तों ये वी जी एल सप्लाई नहीं है, ये एस टी वी है। एस टी वी एक सिग्नल होता है जो कि वो भी माइनस वोल्ट रहता है। उसके बाद एक और सप्लाई का पॉइंट बना हुआ है जो कि वो वी जी एल का पॉइंट है। मैं यहाँ से चेक करता हूँ, वी जी एल में भी माइनस वोल्ट, ये भी ओके है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये सारा सिग्नल ओके है दोस्तों। जैसे देख सकते हैं गेट सिग्नल का कभी भी, ये तो हम वोल्टेज चेक करें दोस्तों, ये जो होता है ये सिग्नल होता है, ये सिग्नल हम ऑसिलोस्कोप से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम तो एक साधारण सा ट्रिक है मीटर में, कि हम इसको मीटर में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं सिग्नल को हम मीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिग्नल हमारा ओके है, जब तक हम ऑसिलोस्कोप से चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितना जितना वोल्टेज बनना था वो तो बन गया है, साइड कॉप तो है नहीं, जो कि मैं साइड कॉप होता तो हम उसमें चेक भी करते वोल्टेज, लेकिन ये साइड कॉप का फॉल्ट भी नहीं है, ठीक है। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं सेम हमारा सिंपल पहले जैसा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा फंसना हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों लोग जो होते हैं इंजीनियर लोग, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये पैनल शॉर्ट है, खराब है, जो भी है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो सिग्नल है ये वाला हमारा गेट लाइन का सिग्नल जो है, जैसे मैं वोल्टेज से चेक करके बताया, वोल्टेज का वोल्टेज चेक करके बताया तो एकदम वोल्टेज मेरा ओके बन रहा था, क्योंकि दोस्तों वो सिग्नल है। लेकिन फिर भी ये गेट लाइन अगर हमारा वोल्टेज सही बता रहा है, फिर भी ये गेट सिग्नल का ही फॉल्ट है। मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर मेरा गेट सिग्नल है, जो कि हमारा ये हमारा गेट लाइन का सिग्नल है जो कि सीकेवी ट्रैक है। हमारा ये लेवल शिफ्टर ही बना रहा है, ये आईसी यहाँ से मेरा जो क्लॉक सिग्नल है वो यही वाला पॉइंट है। मैं आपको दोस्तों पीछे करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मेरा गेट सप्लाई का वोल्टेज सब ओके आ रहा है, यानी दोस्तों सिग्नल, लेकिन फिर भी दोस्तों ये गेट पॉइंट का ही है, ठीक है। तो हम उस केस में हमको ये वाला गेट लाइन का कट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लॉक सिग्नल ओके बन रहा है फिर भी ये इसका फॉल्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए मैं गेट सिग्नल को एक बार ट्राई करता हूँ कट करके, उसके बाद मैं आपको आगे का जानकारी देता हूँ कि ये हमारा पैनल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये वाला इधर का हमारा जो गेट लाइन है, यहाँ से मैंने कट किया, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको दोस्तों सिंपली दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, और ये वाला इधर भी दिखाएंगे, ये वाला, ठीक है। दोनों को दोस्तों मैं बहुत काम किया इसमें, बहुत वर्क किया ये वाले मॉनिटर में। दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये मॉनिटर रिपेयरेबल नहीं है, इसका दोनों साइड का ग्लास सीकेवी ट्रैक जो है दोस्तों वो शॉर्टिंग है। मैं दोनों एक एक तरफ का कट कर करके देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सेम पोजिशन है, क्योंकि दोस्तों ग्लास हमारा जब दोनों साइड से शॉर्ट हो जाता है तो हमारा नहीं होता है। एक चीज और मैं बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं और इसे मॉडिफाई किया था, क्या मॉडिफाई किया था थोड़ा सा बता देता हूँ मैं दोस्तों। दोनों साइड का हमारा जब मैं गेट ट्रैक को कट किया, जैसे एक एक साइड का कट किया, तो हमारा डीसी टू डीसी आईसी तो ओके था दोस्तों, लेकिन वो थोड़ा सा हीटिंग हो रहा था। तो मुझे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी नहीं लोड ले पा रहा है, हालांकि वोल्टेज हमारा ओके बन रहा था सब वोल्टेज, तो लेकिन वोल्टेज तो हमारा सही बन रहा था लेकिन नहीं लोड ले पा रहा है करके मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक यहाँ से आप देखेंगे मैंने डीसी टू डीसी आईसी को निकाल दिया है। दोस्तों फॉल्ट इसका नहीं है, हमारा गेट लाइन शॉर्ट है वो दोनों साइड का, तो ये रिपेयरेबल नहीं है। तो मैं फिर भी थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश किया, ये डीसी टू डीसी आईसी को निकाल के मैंने दूसरा स्केलर से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो कि 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों, 5 वोल्ट सप्लाई दिया, एबीडीडी वीजीएच और वीजीएल सप्लाई दिया था। तो उसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि ये आईसी अब इंटरनली जब शॉर्ट होता है हमारा कोई सा भी ग्लास, तो हमारा स्केलर में लगे कॉम्पोनेंट दोस्तों वो थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे डाउट हो रहा था कि ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी कहीं ना कहीं से हमारा वीक हो रहा होगा, उसके लिए भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों गेट लाइन शॉर्ट होने के नाम से हमारा ये स्कैन ड्राइव में प्रॉब्लम आना चाहिए था, लेकिन स्कैन ड्राइव ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। मुझे डाउट था ऐसा, तो मैं इसको चेंज किया था, यानी कि दोस्तों चेंज नहीं, दूसरा स्केलर देख सकते हैं आप, मॉडिफाई करके मैं इसको बनाने की कोशिश किया था, लेकिन हमारा काम दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि दोनों साइड का गेट पॉप हमारा शॉर्ट है, सॉरी गेट लाइन। लेकिन दोस्तों कुछ हद तक के जो पहले का हमारा जो फॉल्ट था वो कुछ हद तक के ठीक हो पाया है, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे आप पहले देखे होंगे मेरा वीडियो में, पहले कैसा कट आ रहा था, अभी मैं इसको पावर देता हूं, यहां से आप देखेंगे, यहां से मैं पावर दिया दोस्तों, इधर देखेंगे हमारे बैक लाइट आ गया है यहां पर देखेंगे, ठीक है। मैं इसको उठा के देखता हूं, आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप, ये ऐसा लग रहा है आपको कि ये पूरा ओके बन चुका है ना, ऐसा फील हो रहा है। जैसे हम आप मेरा पहले का थोड़ा सा पहले का वीडियो देखेंगे, यानी कि दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ा स्टार्टिंग का देखेंगे, तो पहले किस टाइप से बन रहा था, अभी किस टाइप से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको हो गया। लेकिन यहां से थोड़ा सा लाएंगे यहां पर, ये कॉर्नर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा देर हल्का हल्का चलने से ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लिकरिंग टाइप का कर रहा है, थोड़ा सा दूर करेंगे ताकि अच्छे से समझ आएगा। हाँ देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा ये फ्लिकरिंग कर रहा है दोस्तों, ये एक्चुअल में ये ग्लास का ही है, ठीक है। मैंने बहुत इसमें मॉडिफाई करने कोशिश किया लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला है, कुछ टाइम चलेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत हमारा ठीक हुआ है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट दोस्तों पैनल रिप्लेस करना पड़ेगा, ये टेम्परेरी टाइप का है। बाकी दोस्तों ये थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, ठीक है, ये कुछ समय चलने के बाद ये हमारा ये फॉल्ट आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक के दोस्तों ये रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ हमको जानकारी और इस वीडियो से सीख मिला होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए नए हैं, यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे भी लंबा बनाने का कोई शौक नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा डिटेल में ही समझाना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, अगर लंबा हो गया दोस्तों तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कुछ रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, फॉल्ट हमारा आया है कि अभी ठीक चल रहा है। दोस्तों ये अभी ठीक है, लेकिन हल्का हल्का आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नोटिस करेंगे, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअल में ये ग्लास का ही है, ये हमारा ये दोनों साइड का गेट ट्रैक दोस्तों, गेट लाइन हमारा शॉर्टिंग है। ठीक है, एक साइड का भी नहीं, दोनों साइड का है। किसी किसी में दोस्तों एक साइड का रहता है तो हम एक तरफ ब्लॉक करके या कटिंग करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो पाया दोस्तों। मैं काफ़ी इसमें वर्क किया, काम किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके, और मुझे अपना सुझाव जरूर दे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।